आदाब नाजरीन, मैं हूं जागृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दिल्ली की इनकम टैक्स कमिश्नर प्रीता हरीत जी। मैम, आपका हमारे इस मुंसिफ टीवी में इस्तकबाल है। नमस्कार नाजरीन, अगर देखा जाए तो प्रीता हरीत जी हरियाणा के एक गांव से ताल्लुक़ रखती हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यह एक दलित परिवार से हैं और देखा जाए तो जिस तरीके से इनका अगर सफ़र पर अगर हम गौर फरमाएं तो इनका इनकी जो जीवन का जो सफ़र है वो काफ़ी संघर्ष भरा रहा है। हम अगर देखें तो अगर इनके जीवन शैली पर अगर हम ध्यान दें या इनके हम बैकग्राउंड पर अगर हम ध्यान दें तो जिस तरीके से इन्होंने अपनी कामयाबी को हासिल किया है तो एक तरीके से या अपने एक समाज में या एक प्रेरणा है। तो हम चाहेंगे कि हम इनसे बातचीत करें, इनके जीवन के बारे में जानें और हमारे जो नाजरीन हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उन्हें कुछ इनके जीवन से बहुत सी चीज़ें सीखने को मिले। तो आइए हम इनके जीवन के साथ साथ, इनके संघर्ष से साथ साथ, इनके कामकाज और भी कई चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और इनसे कई सवाल जवाब भी करेंगे। प्रीता हरीत जी, अगर देखा जाए मैम, जैसे कि आप एक दलित परिवार से आप ताल्लुक़ रखती हैं, ऊपर से एक महिला भी हैं, अगर बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, आप एक हरियाणा के छोटे से गांव से आप ताल्लुक़ रख रही हैं, कितना संघर्षपूर्ण रहा? क्योंकि एक गाँव में रहना, उसके बाद वहाँ की पढ़ाई लिखाई, ऊपर से एक महिला होना, एक काफ़ी चुनौती भरा एक चीज़ होती हैं। तो इन सारी चुनौतियों को कैसे आपने पूरा किया, किस तरीके से आप यहाँ तक आई? मेरे साथ मेरे परिवार, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे माता, मेरे बाकी लोगों का एक समर्थन भी था। और मैं गांव में रहती थी, जाती थी, लेकिन मैं दिल्ली में पैदा हुई, दिल्ली में पली बड़ी हूँ और एक ऐसे परिवार से हूँ जो जिसकी पृष्ठभूमि सामाजिक कार्यकर्ताओं की है। मेरे दादाजी भी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, ग्राम पंचायत के सदस्य थे, सरपंच भी थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काफ़ी वो उन्होंने काम किया। मेरे पिताजी भी दिल्ली सरकार में अधिकारी थे और उनके जीवन का जो संघर्ष था उसके कारण उन्होंने भी समाज में बहुत योगदान दिया। मैंने अपने माता पिता के बनाए हुए रास्ते को बहुत अच्छे, बहुत कम उम्र में ही समझ लिया था। और एक ऐसी जाति से हूँ जिस जाति को हमारे समाज में छोटी जाति माना जाता है, चमार जाति से हूँ। जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, आज भी संघर्ष है और मैं बहुत एक ऐसी जीवन संघर्ष के से गुजरी हूँ कि उसके बाद में मेरे सामने बस आगे के रास्ते खुले हुए हैं, पीछे कोई रास्ता नहीं है, बंद है सब। मुझे आगे ही आगे बढ़ना है क्योंकि एक ऐसी जाति से हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए रास्ते पर मैं चल रही हूँ। देखा जाए तो दलितों को लेकर समाज में कई तरह के भेदभाव आज भी हैं, लोग अलग ही दृष्टि से उन लोगों को देखते हैं, क्या उन सब चीज़ों को भी कभी आपको इसका सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल करना पड़ा है। मैंने कहा ना, मैं चमार जाति से हूँ और बचपन में मैंने अपने लिए जाति सूचक शब्द सुने हैं। मैं फिर भी उस स्थिति से उतना नहीं गुजरी, लेकिन जब दिल्ली में हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे साथ, मेरे साथ एक ब्राह्मणवाद क्या होता है, एक लड़की थी जो बहुत ब्राह्मणवाद फैलाती थी, जाति पूछा करती थी, यहाँ तक कि हमारे टीचर्स भी भेदभाव करते थे हमारे साथ, हमारे साथ की लड़कियाँ बैठ के खाना नहीं खाती थी। तो वो सब संघर्ष हमने तब देखा और उस संघर्ष के अलावा बाद में भी जगह जगह पर हमें ये महसूस हुआ कि छोटी जाति से होना या इस देश में तथाकथित अछूत होना, उसका क्या दुख होता है, वो हमें पता है। आपने जैसे कभी बताया कि आपको परिवार से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, अगर हम प्रेरणा की बात करें, आप तो वैसे अपने समाज में आज के इस युग में एक प्रेरणा के रूप में आप उभर कर आ रही हैं, कई महिलाओं के लिए आप एक तरीके से प्रेरणा के रूप में हैं, लेकिन आपको प्रेरणा किससे मिली, किससे आपको एक मोटिवेशन किससे मिला? देखिए, वैसे तो ये शरीर, ये व्यक्तित्व मुझे मेरे माता पिता ने दिया, लेकिन मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मेरे पिताजी ने बहुत छोटी उम्र में मुझे बाबा साहब की जीवनी पढ़ने को दी थी और मेरे पिताजी खुद बाबा साहब के संपर्क में आए थे। जब बाबा साहब दिल्ली में रहते थे तब मेरे पिताजी बाबा साहब के संपर्क में भी आए थे, उनके पास आना जाना होता था। तो मेरे पिताजी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी थे, भक्त थे एक तरह से। और उन्होंने, जब मैं बहुत छोटी सी सातवीं या आठवीं क्लास में पढ़ती थी, तब बाबा साहब की जीवनी पढ़ने को दी थी। उस जीवनी के माध्यम से मुझे बाबा साहब के जीवन संघर्ष के बारे में जानकारी हुई, उनके त्याग और बलिदान को मैंने महसूस किया
और उसके बाद बाबा साहब मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बने। देखा जाए तो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद आज भी जिस तरीके से समाज में भेदभाव है, दलितों को, अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरीके से लगातार कई तरह की घटनाएं होती हुई नज़र आती हैं, क्या लगता है कि आज की इस परिस्थिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सोच थी, जो उनका एक मार्गदर्शन था, वो कितना ज़रूरत है? सबसे पहले तो हमारे देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि भारत को भारत ही करके हम इस्तेमाल करें, क्योंकि भारत देश है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और भारत में जिस तरह से आज भी जाति व्यवस्था विद्यमान है, ये उस देश के लिए बहुत बुरी बात है, एक खतरे की बात है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में समग्र लोकतंत्र की स्थापना के लिए संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को उसके अधिकारों और हकों के जानकारी दी, उनको मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकारों के रूप में समानता के अधिकार दिए। डॉक्टर अंबेडकर की बहुत बड़ी भूमिका है इस देश में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, और हमें बाबा साहब की विचारधारा को मानते हुए उसी लोकतंत्र को आगे लेकर जाना है। देखा जाए तो आपकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई, क्या इस तरह का भेदभाव दिल्ली में भी देखने को जी मिलता है? बिल्कुल, और आज भी होता है। मैंने कहा ना, बचपन में ही हमसे हमारी जाति पूछी गई थी, और हम जिस जाति से आते हैं, हमारे बच्चों को घर में जाति नहीं पता चलती, बल्कि समाज से पता चलती है कि वो किस जाति के हैं। मुझे भी, मेरी एक सहेली थी, मुझसे मेरी जाति पूछा करती थी, तो मैंने कहा मुझे पता नहीं है। उसने कहा अपने घर से पूछ कर आओ। वो लड़की ब्राह्मण थी, मैं अपने घर गई, मैंने अपने पिता से अपनी जाति पूछी कि पिताजी हमारी क्या जाति है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम बौद्ध हैं। मैंने कहा नहीं, बौद्ध क्या होते हैं, हम ब्राह्मण क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम बौद्ध हैं। वो सवाल था मेरे जहन में कि हम ब्राह्मण क्यों नहीं है, वो सवाल आज भी जिंदा है कि हम, मैं उस सवाल को दूसरे शब्दों में कहती हूँ, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे साथ जीवन का अनुभव भी है। तब मैं छोटी बच्ची थी, 4 साल की, तो मैं उस सवाल को बड़े बेबाक तरीके से पूछती थी कि हम ब्राह्मण क्यों नहीं है, लेकिन आज वो सवाल इस रूप में आता है कि इस देश में जाति व्यवस्था क्यों है और हम उस जाति व्यवस्था के शिकार क्यों हैं। देखा जाए तो आप दलितों के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ करते हुए नज़र आती हैं, काफ़ी काम उनके लिए कर रही हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शक को बताएं कि किस तरीके से आप उनके लिए काम करें और अभी तक कितनी उपलब्धियां आपने प्राप्त की हैं। मैं बहुजन सम्यक संगठन के माध्यम से इस देश के घर घर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को लेकर चली हूँ। वो घर चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति का घर हो, क्योंकि बाबा साहब इस देश में जाति विहीन समाज चाहते थे, एक ऐसा समाज जिसमें जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई शोषण और उत्पीड़न ना हो। तो मैं उन्हीं बाबा साहब की विचारधारा को लेकर इस देश के हर व्यक्ति के घर तक जाना चाहती हूँ। और बहुजन सम्यक संगठन इस देश के लगभग 24 राज्यों में अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर चुका है, और हर व्यक्ति हमारे साथ भावना से जुड़ा है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका मान सम्मान हो, जाति के आधार पर कोई शोषण, कोई अपमान ना हो। बाबा साहब की विचारधारा को सब अपनाकर इस देश में एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो कि एक आदर्श समाज हो, जिसमें हर व्यक्ति समान हो। देखा जाए तो ऐसे कई संस्था हैं, संगठन हैं, यहाँ तक कि कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रही है। लेकिन आज भी अगर हम परिस्थितियों पर ध्यान दें तो जस का तस है, कहीं कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा। क्या लगता है कि इन सब चीज़ों के पीछे क्या कमियां हैं जिसे दूर करने की ज़रूरत है? मानसिकता की कमी है। हम लोगों के मन में जाति के आधार पर ऊंच और नीच बहुत गहरे तक घर करिए हुए किए हुए हैं, और उसका कारण हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, क्योंकि इतिहास में यहाँ जातियों में समाज बटा रहा और कुछ लोगों को जाति के आधार पर अछूत माना गया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, तो वही मानसिकता आज भी चल रही है। कहने को तो देश आज़ाद है, भारत में एक संविधान है, उसके माध्यम से हर व्यक्ति चलता है, सबको बराबरी के अधिकार हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन की ज़रूरत है। इस व्यवस्था को और इस सरकारों को बदलाव लाने की ज़रूरत है। कानून सबके लिए समान तौर पर है, उस कानून को समानता के आधार पर लागू करने की ज़रूरत है, और सबसे जो ज़रूरी है वो मानसिकता, उस मानसिकता को बदलना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें, हमारा जो समाज है वो मॉडर्न होता जा रहा है, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, कपड़ों की बात करें या स्टाइल की बात करें, हर तरीके से बदलाव आ रहा है, लेकिन मानसिकता में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? इसके पीछे की वजह क्या, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मीडिया, इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। वैसे तो लड़कियां बहुत अच्छे अच्छे वेस्टर्न क्लोथ्स पहनती हैं, जीन्स पहनती हैं, निक्कर पहनती हैं, टी शर्ट पहनती हैं, मैं, वो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो कुछ भी पहने, लेकिन सोच उनकी वही है कि जब करवा चौथ का व्रत रखना होता है, जब सोमवार का, मंगलवार का, शिव जी का व्रत रखना होता है, तो व्रत रखती हैं
और उपवास करते हैं, और धर्म को जब देखिए, जब कोई नवरात्रि वगैरह आते हैं तो पूरी दिल्ली माथे पर तिलक लगाकर घूमती है। ऐसा लगता है कि सारा का सारा समाज हिंदू है और कोई समाज ही नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि धर्म को एक फैशन के तौर पे अपनाया जाता है, ये व्रत उपवास एक फैशन के तौर पर अपनाए जाते हैं, और मीडिया के माध्यम से, मैंने मीडिया का नाम भी लिया, इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है, महिलाओं को एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि उनका कोई अलग व्यक्तित्व नहीं है, वो समाज में एक वस्तु के तौर पे समझी जाती हैं, घरों में भी उनके साथ अपमानजनक बर्ताव होता है और वो उसको खुद स्वीकार करती हैं, अपनी उस अपमानजनक स्थिति को, अपनी हीन स्थिति के साथ अपने आप को जोड़ के समझती हैं। और घर के अंदर ही दिखाया जाता है, टीवी सीरियल्स की मैं बात करती हूँ, दिखाया जाता है कि घर में जो महिलाएं, चार पांच महिलाएं होती हैं, कोई सास है, कोई नंद है, कोई भाभी है, कोई बहन है, कोई भतीजी है, साली है, वो सब एक दूसरे को तोड़ने का, एक दूसरे के साथ कुछ मंत्रणा चल रही है, कोई षड्यंत्र चल रहा है, इस तरह से वो सीरियल्स चलाए जाते हैं। और हमारे समाज की एक बहुत बड़ी आबादी, 50% जो हमारी आबादी महिलाएं हैं, वो दिन रात उन्हीं सीरियल्स को देखती हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ देखती हैं, उन सीरियल्स की खुराक पाकर वो जब बड़ी होती हैं, जब इस युवा बनती हैं, तो उन्हीं सीरियल्स को जीने का प्रयास अपने वास्तविक जीवन में करती हैं। और धर्म को भी इसी तरह से दिखाया जाता है, करवा चौथ का चांद निकल रहा है और वो चांद को बार बार दिखाते हैं कि वहाँ भूखे बैठी हैं, तो इस सब के पीछे वो जाने की कोशिश नहीं करते, ये देखने की कोशिश नहीं करते कि ये जो उपवास थे या इस तरह के जो धार्मिक उत्सव हैं, ये उस समय मनाए जाते थे। राखी का त्यौहार हो गया, जब एक बहन भाई को राखी बांधती है, क्यों बांधती है? कि भाई उनकी रक्षा करे। जब समाज समान है, जब हर व्यक्ति को बराबरी का, शिक्षा का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति एक तरह से सशक्त है, तो मैं नहीं समझती कि किसी बहन को भाई से अपनी रक्षा की उम्मीद करनी चाहिए, बल्कि बहनें भी इतनी सशक्त होनी चाहिए कि भाइयों की या परिवार की रक्षा कर सके। लेकिन हमारे टीवी सीरियल्स, हमारे चैनल्स ये सारी चीज़ें दिखाते हैं कि एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि महिलाओं को, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, वो उसी में, उसी षड्यंत्र में, उसी चक्र में उलझी पड़ी रहती हैं। मैं समझती हूँ कि मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप लोग इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिस तरह से न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और जुडिशरी है, उसके बाद प्रेस, मीडिया, ये चौथा स्तंभ है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश में लोकतंत्र को पूरी तरह से लागू करें। और लोकतंत्र का जो बहुत बड़ा जो जिम्मेदार, दारोमदार है, वो इस देश की नारी शक्ति के सर पर है। नारी शक्ति को बराबरी के अधिकारों की जानकारी दिलाना आपका कर्तव्य बनता है। और मैं अपने माध्यम से इस देश की महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि वो किसी से कम नहीं है, शिक्षा में भी और कार्यक्षेत्र में भी वो बराबरी का अगर आगे आना चाहें तो कर सकती हैं, अपने आप को कम ना समझें। प्रीता जी, मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहूँगी। पहला सवाल ये है कि आपके संगठन का 3 साल पूरा हो चुका है, अभी तक आपने कितना काम किया, और इसके साथ ही आपको क्या लगता है कि आप अपने लक्ष्य से कितनी दूर हैं? दूसरा सवाल ये है कि आपने मानसिकता पे आपने बात की है, तो इस मानसिकता को बदलने के लिए आप अपने संस्था के जरिए किस तरीके से काम कर रही हैं? संगठन को 2.5-3 साल होने वाला है, जुलाई 22 को संगठन का तीसरा स्थापना दिवस हम मनाएंगे। इस समय पूरे देश से कार्यकर्ता आएंगे, बहुत बड़ा एक आयोजन हम करने जा रहे हैं दिल्ली के मावलंकर हॉल में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। और 3 साल में हमने बहुत लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है, और करोड़ों लोग आज हमारे संगठन के साथ और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबके मन में यही भावना है कि इस देश में जो असमानता का जो वातावरण है उसको ख़त्म किया जाए, और मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जहाँ भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, जाति के आधार पर ऊंच नीच का बर्ताव होता है, तो वहाँ पर हम संगठन के हम पहुँचते हैं, संगठन पहुँचता है, हमारे कार्यकर्ता साथी लोग पहुँचते हैं, पुलिस में FIR दर्ज कराते हैं, कानूनी सलाह देते हैं, और हर तरह से हम मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं भी हो, हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो हम लोग, बल्कि साउथ में भी हम लोगों ने दखलंदाजी की है कि इस तरह की घटनाएं ना घटें, उनको रोकने का हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने मानसिकता की, तो संगठन के माध्यम से जो मैं मानसिकता बदलने का प्रयास कर रही हूँ, वो मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है, क्योंकि मैं खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी हूँ कि मेरी बात को सीरियसली सुना जाता है, और सामने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, मैं उसके सामने समानता का व्यवहार करते हुए उसे अपनी जाति के बारे में बताती हूँ, और ये बताती हूँ कि आज मैंने इतनी मेहनत की कि मैं इस स्तर पे पहुंच चुकी हूँ कि मैं
अपनी जाति आपको बता सकती हूँ और जाति के कारण हमने क्या उत्पीड़न सहा है, मैंने नहीं सही, मेरे पूर्वजों ने सही, इतिहास में सही, उसको उनकी मानसिकता तक मैं पहुँचती हूँ, उनको ये बताती हूँ कि जाति के आधार पर ऊंच नीच गलत है। तो ये एक सोच है, उस सोच को हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, उनकी मानसिकता को बदल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई इस तरह का अपमान या शोषण उत्पीड़न होता है तो जब हम आवाज़ बुलंद करते हैं, तो आप लोग भी अब बहुत काफ़ी सहर्दे हो गए हैं, जो मीडिया है, जो जिम्मेदारी आप लोग लेते हैं, तो उन बातों को आप मीडिया के माध्यम से बहुत सारी, और सोशल मीडिया के माध्यम से वो चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, तो एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि सभी लोग इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जाति के आधार पर किसी को ऊंचा नीचा दिखाना ठीक नहीं है, गलत बात है। तो यही मानसिकता का बदलाव हम बहुजन समाज संगठन के माध्यम से, यानी कि जाति के तौर पर भेदभाव करना बिल्कुल भी सही नहीं है। नासिर, जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से प्रीता हरि जी ने अपने जीवन में संघर्ष किया है, इसके साथ ही इन्होंने दलितों को लेकर, महिलाओं को लेकर लगातार यह काम जो है वो करती हुई आ रही हैं और आगे भी करने का वो प्रयास जो है इनका जारी है। मानसिकता जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे बदलने के लिए भी काम किया जा रहा है और इस मानसिकता को बदलने के लिए भी और भी कई प्रयास किए जाएंगे। लेकिन राजनीति तौर पर अगर हम सवाल करें तो राजनीति पार्टियां इसके लिए कितनी जिम्मेदार हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मुंसिफ टीवी।